2024 जनवरी महीने में ही हजूर पिताजी परमानेंट के लिए साथ संगत के बीच में आ रहे हैं। यह न्यूज आप फेसबुक यूट्यूब वगैरह वगैरह सभी जगह पर आप लगातार देखने को मिल रही होगी आपको इस तरह की न्यूज़ साथ संगत जी। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी आपको देने वाले हैं कि हजूर पिताजी कब आ रहे हैं, 25 जनवरी में आ रहे हैं या इससे पहले आ रहे हैं, भंडारे पर आएंगे या कब आएंगे, कहां पर आएंगे, बरना आएंगे या सिरसा आएंगे, तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। सत्संग जी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक करने के बाद जो है शेयर भी कर दे ताकि सभी सत्संगत को इस सूचना के बारे में पता चल सके कि हजूर पिताजी परमानेंट कब कौन सी तारीख को आ रहे हैं। सत्संगत जी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हजूर पिताजी की परमानेंट रिहाई को लेकर सभी सत्संगत जो है मांग कर रही है और डेरा सच्चा सौदा के द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हजूर पिताजी कब सत्संगत के बीच में परमानेंट आएंगे। तो सत्संगत जी हाईकोर्ट के द्वारा जो है कुछ याचिका है जो हजूर पिताजी के ऊपर केस लगे हुए हैं, जल्द ही वह हटने वाले हैं। हजूर पिताजी जो है कानून का सम्मान भी कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो है कोर्ट के द्वारा हजूर पिताजी को फरल और पैरोल भी दी जाती है। तो सत्संगत जी इस बारे में पूरी जानकारी आपको बड़े ही ध्यान से सुननी है और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर भी करनी है। जैसे कि कानून के नियम है कि जो फरल और पैरोल दी जाती है वह उसी को दी जाती है जिसका स्वभाव और आचरण जो है जेल के अंदर अच्छा रहता है और जेल से बाहर जाने की इजाज़त भी उसी को दी जाती है, क्योंकि उसके स्वभाव और आचरण से पता लग जाता है कि यह बंदा बाहर जेल के बाहर फरलो देने के बाद पैरोल देने के बाद किस तरह से रहेगा। तो हजूर पिताजी को जो फरलो और पैरोल दी गई थी वह भी हजूर पिताजी के जो आचरण को ही लेकर दी गई थी। तो हाई कोर्ट से जो है हजूर पिताजी के परमानेंट की याचिका की आप खबर यूट्यूब फेसबुक वगैरह पर देख रहे हैं, जो भी इस तरह की कह रहा है कि भाई हजूर पिताजी परमानेंट आएंगे, अभी आ रहे हैं, तो ऐसी अभी कोई जानकारी सटीक तरीके से नहीं मिली। ये तो सच्चाई है कि हजूर पिताजी जो है सात संगत के बीच में परमानेंट आएंगे, क्योंकि उनके जो आचरण और व्यवहार है उसके मुताबिक जो कानून की प्रक्रिया है कि भाई जिसका आचरण और व्यवहार अच्छा है तो उसकी जो है सज़ा भी माफ़ हो जाती है। तो हजूर पिताजी की सबसे पहली बात पॉइंट नंबर एक कि हजूर पिताजी की जो 20 साल की जो सज़ा भुली थी वह 20 साल की नहीं, सिर्फ अगर वैसे तो 20 साल का टाइम जोड़ा जाएगा लेकिन दिन रात की जोड़कर जो है 10 साल की जो है सत्संगत जी बताई जा रही है। तो सबसे पहली तो है कि आधा टाइम तो इस तरीके से ही मतलब 10 साल की रह गई और उसमें भी व्यवहार आचरण की वजह से हजूर पिताजी की जो है कुछ और सज़ा माफ़ कर दी जाएगी, जिस वजह से हजूर पिताजी की जो है परमानेंट रिहाई को लेकर मांग हो रही है। तो हजूर पिताजी परमानेंट आने की यही जो है संकेत है। तो हाईकोर्ट जैसे ही जो फाइल जमा हुई है उसकी जाँच करेगी कि हजूर पिताजी का व्यवहार आचरण कैसा है, तो उसमें जो है मतलब आचरण व्यवहार को देखते हुए सज़ा कम कर दी जाएगी, जो लगभग 5 साल के करीब हजूर पिताजी को गए हुए भी हो चुके हैं। तो इस ही तरीके से हजूर पिताजी जो है सात संगत के बीच में परमानेंट आने वाले हैं। तो अभी कोई जानकारी नहीं मिले, जैसे भी कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल पर हम सबसे पहले आपको जो है सटीक जानकारी देंगे। तो अभी ऐसी किसी बातों पर विश्वास नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सात संगत को इसको शेयर करना है ताकि इस सच्चाई के बारे में सभी सात संगत को पता चल सके जी। और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि डेरे से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।